अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक और सवाल हमारे सामने है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि इफ इन अ जीपी जे प्लस के टर्म इज एक्स, जे प्लस के एक रैंक है, हो सकता है जे का मतलब 3 होता, के का मतलब 4 होता, तो 3+4 ये 7 बन जाता, तो इट इज़ अ रैंक। मगर उन्होंने उस रैंक को बस दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़े को जे और एक टुकड़े को के कह दिया है, ये है एक ही रैंक। तो जे प्लस के रैंक की टर्म एक्स है, जे माइनस के टर्म की रैंक वाई है, तो हमें साबित करना है कि सिर्फ जे रैंक की टर्म अंडर रूट एक्स वाई होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि टर्म नंबर जे प्लस के एक्स है और टर्म नंबर जे माइनस के वाई है, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि जे टर्म यानी कि टी जे अंडर रूट एक्स वाई होगा। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि दो टर्म्स हैं, और दो टर्म जब हमारे पास होती हैं तो आप डी मालूम करने के लिए भी टी के टी जे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जनरल टर्म फॉर्मूले के ज़रिए से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टी जे और टी के वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सवाल को करते हैं। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टी जे बराबर होता है टी के आर की पावर जे माइनस के। मगर हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जे का मतलब जे प्लस के है और के का मतलब जे माइनस के है, तो यहाँ पर हम इसी हिसाब से रैंक्स पुट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बना टी जे प्लस के इक्वल्स टू टी जे माइनस के, और आर की पावर आप देख सकते हैं जे प्लस के माइनस जे माइनस के हो जाएगा। अब आप यहां वैल्यूज पुट कर लें, टी जे प्लस के हमारे पास एक्स है, यहां पर हम एक्स पुट करेंगे, टी जे माइनस के हमारे पास वाई है, यहां हम वाई पुट करेंगे, और आर की पावर माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन होगा तो जे प्लस के माइनस प्लस माइनस जे और माइनस माइनस प्लस के। तो आप देख सकते हैं यहां पर जे से जे कैंसिल हो जाएगा और के प्लस के बनेगा 2k। सो एक्स इज इक्वल्स टू वाई इन टू आर की पावर 2k। अब यहां r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y वहां जाकर x को डिवाइड करेगा, तो x ओवर y विल बी इक्वल्स टू r टू दी पावर 2k। अब हमें तो सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू लाने के लिए हम यहां से पावर 2k को खत्म करेंगे, और हम जब कभी किसी भी पावर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस पावर का रेसिप्रोकल इक्वेशन की बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दें। तो अब हम लिख सकते हैं टेकिंग पावर 1 ओवर 2k बोथ साइड्स, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ r इज 1 ओवर 2k। तो यहां पर हमने लिख दिया टेकिंग पावर 1 ओवर 2k बोथ साइड्स। यहाँ 2k से 2k कैंसिल, और x ओवर y की होल पावर 1 ओवर 2k का मतलब है x के ऊपर भी पावर 1 ओवर 2k आ जाएगी और y के ऊपर भी पावर 1 ओवर 2k आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास यहाँ r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर कि हमें टी जे ट्रम प्रूफ करने की अंडर रूट एक्स वाई के इक्वल है, तब हम टी जे ट्रम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हेडिंग आएगी टू फाइंड टी जे। टी जे मालूम करने के लिए हम एक बार फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि टी जे इज इक्वल्स टू टी के आर टू दी पावर जे माइनस के। अब की बार हमें आर मालूम है और हम एक ट्रम मालूम करना चाहते हैं, तो हमें एक और ट्रम की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम टी के मान रहे हैं। वो जो एक और ट्रम की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है वो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दो ट्रम्स गिवन हैं, एक टी जे प्लस के और एक टी जे माइनस के, तो हम इनमें से कोई भी ट्रम वहाँ पर पुट कर सकते हैं टी के की जगह। तो हम यही सपोज कर लेते हैं कि टी के जो है वो टी जे प्लस के इक्वल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा, टी जे इक्वल्स टू यहाँ आ गया टी जे प्लस के। तो क्योंकि आपने k की जगह टी जे प्लस के लिख दिया है, तो यहाँ पर r में j तो एज इट इज आ गया, इधर भी जैसे इधर k की जगह j प्लस के लिखा, इधर भी k की जगह j प्लस के ही लिखना पड़ेगा।
और ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन किया और यहाँ पर फॉर्मूले की एप्लीकेशन शुरू हो गई। अब माइनस साइन से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टी जे इक्वल्स टू टी जे प्लस के की जगह टी जे प्लस के वाली टर्म लिख देंगे जो कि हमें एक्स के इक्वल थी, आर की जगह हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास एक्स की होल पावर 1/2 के, बल्कि हम इसको एक्स ओवर वाई की होल पावर 1/2 के ही लिख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के ऊपर अलग पावर 1/2 के है, y के ऊपर अलग पावर 1/2 के है, और यहाँ पर हम इसको अलग अलग अप्लाई करके लेकर आए थे, मगर सवाल में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन यही है, इसलिए r की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर ये जो पहले से मौजूद पावर है ये इस नई पावर से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आएगी, j माइनस प्लस माइनस j और माइनस प्लस माइनस k। अब यहाँ पर प्लस जे से तो माइनस जे कैंसिल हो जाएगा और माइनस के मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। नाउ टी जे विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स ओवर वाई होल पावर 1/2 के मल्टीप्लाई बाय माइनस के। तो यहाँ पर के से के कैंसिल और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो टी जे की नई शक्ल बन रही है एक्स इंटू एक्स ओवर वाई की होल पावर माइनस 1/2। अब यहां पर हम इस माइनस 1/2 पावर को x और y दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस के लास्ट स्टेप को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि tj की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, tj इज इक्वल्स टू x और यहां पर x की पावर हो जाएगी नेगेटिव 1/2 ओवर y की पावर भी हो गई नेगेटिव 1/2। अब आप देख सकते हैं x x से मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिक रूल्स ऑफ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के तहत इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी जे की वैल्यू निकालने के लिए हम x की दोनों पावर्स को उठाकर x की एक ही बेस पे लिख देंगे। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर माइनस 1/2 है और y ऊपर आके y की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो x की पावर 1/2 आएगी। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 2, जो रिजल्ट है उसको इस टाइम के मुताबिक न्यूमरेटर से डील करें, 2 1 2, 2 माइनस 1 1, और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 1/2 x की पावर हो गई। तो टी जे इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 एंड y की पावर 1/2, और आप चाहें तो इसको एक्स वाई की होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की होल पावर 1/2। और एक्स वाई की होल पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट एक्स वाई, क्योंकि आप जानते हैं पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आएगा, हमें साबित करने में कामयाब हो गए कि जे ट्रम अंडर रूट एक्स वाई है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम यही सवाल एक दूसरे मेथड से करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।